नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर चौबट पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। कांग्रेस नेता रविवार को पीड़िता के निवास पर गए थे और स्वजन से चर्चा के दौरान एक लिया गया चित्र दोनों ही नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से संगीता बघेल के आवेदन पर पुलिस ने दोनों नेताओं पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देखिए रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले के चोबर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी खट्टाली में गत 26 अप्रैल को शादी समारोह में गई 12 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी, झाबुआ विधायक भूरिया पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के निवास पर पहुंचे थे और स्वजन से चर्चा की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट पर पीड़िता के स्वजनों के साथ चर्चा के दौरान लिया गया एक चित्र पोस्ट किया था, जिसके बाद चोबट निवासी संगीता बघेल के आवेदन के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने मामले की जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। आज संगीता बघेल जो आवेदिका है उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया और उनके द्वारा बताया गया कि जो जोबट थाने में एक का केस हुआ है, उस केस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी और विक्रांत भूरिया, इनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर किया गया और उसकी पहचान सामने आई। इस कारण से पुलिस द्वारा उस आवेदन पत्र को सामने रखते हुए धारा 228 ए आईपीसी और 23 पॉस्को एक्ट और 74 जेजे एक्ट इनके तहत अपराध कायम किया। ये जो आवेदिका है उनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ट्विटर का जो अकाउंट था उसमें फोटोग्राफ्स डाले, फोटोग्राफ्स में जो पीड़िता है उसके घर दिख रहे थे, उसके रिश्तेदार दिख रहे थे, तो ये एक ऐसी चीज थी जो उसके पहचान उसकी सामने आ सकती थी। बता दें कि 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में दो लड़कों के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जोबट।